हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हमने इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लास सिक्स की मैथ्स जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या करना है आपको, फिल इन दी ब्लैंक से आपको क्वेश्चन दिया है -8 इज इक्वल टू, उसके बाद डैश आपकी खाली जगह है, और इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम किसको ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक फार्मूला समझाया था, वो फार्मूला आपको आना जरूरी है। तो क्या फार्मूला देख किया था हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फार्मूला था, अगर हम प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो वो क्या हो जाता है, हमेशा प्लस। अगर दो डिजिट प्लस, एक प्लस और एक माइनस, तो वो क्या होगी, माइनस। अगर माइनस है और ये दूसरा प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों डिजिट अगर माइनस की है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है और अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। तो चलो हम यही क्या हम करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है -8 और यहाँ 0, तो अब हम यहाँ पर किसको ऐड करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। एक डिजिट हमारी माइनस की है तो दूसरी डिजिट हमारी किसकी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स हम यहाँ पर अगर 8 ले लें तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 0। अगर ये नहीं समझ आया तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो आपकी ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपने इस ब्लैंक स्पेस को ऐसे ही रहने देना है, और -8 को दूसरे साइड लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, +8 का। बस ये ध्यान रखो कि ये जो है यहाँ 0 है, और ये -8 अगर दूसरी साइड जाएगा, बेटा अगर हम इज इक्वल टू के इधर की कोई डिजिट को इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, अगर इज इक्वल टू के दूसरे साइड हम डिजिट को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम -8 को हम 0 के पास लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप करना चाहोगे तो यहाँ पर आपने क्या ले लेना है, एक्स। अब हम x को यहीं रखेंगे, 0 ऑलरेडी हमारे पास है, ये माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 0 में अगर 8 को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो जो ये आपका आंसर आया वही आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आंसर हो जाएगा आपका -8 + 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा मेथड किया है। ठीक है, नहीं तो आप सिंपली सोच के भी कर सकते हो। यहाँ पर अब देखो ये प्लस का है और हमें 0 लाना है, तो हमने इसी को क्या कर देना है, माइनस में लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने अगर -13 लिख दिया, ठीक है, जब भी दो साइन हो तो बेटा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये 13 में से 13 को, ये प्लस माइनस, देखो हमारा क्या है, प्लस माइनस, माइनस 13 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना ये हमारा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ये प्लस का है, इसका कोई साइन नहीं तो प्लस का है। उसके बाद ये प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। 12 और 12 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग आ गया, यहाँ पर -4 है, आपको यहाँ क्या प्लस करो कि -12 आए। तो पहले जैसे हम करेंगे, हम ब्लैंक वाली जगह को यहीं रखते हैं, ठीक है, मीन्स ये हमारी ब्लैंक वाली जगह है जिसको हम एक्स ले लेते हैं। उसके बाद -12 जो यहाँ पर दिया है ना, उसको ऑलरेडी हमने पहले लिख लेना है, -12 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस डिजिट को आपने क्या करना है, इसके पीछे लिखना है और साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस का 4 था, इसके पीछे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। चलो अब आगे क्या होगा, देखो फॉर्मूला, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। साइन हम कौन सा लगाते हैं, अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो सारी देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट हमारी माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया हमारा आंसर, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा ई।
यहाँ पर आपको माइनस करना है, क्या माइनस करो 15 में से कि आपका माइनस 10 आ जाए। सेम ऐसे जैसे मैंने कहा है, आपको ये ब्लैंक जगह यहीं छोड़ दो, माइनस 15 को यहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कैसे करोगे, जो इधर है ना उसको हमने पहले ही लिख देना है, हमने ये वाली साइड ली ना इज इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस का था तो यहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का। अब माइनस प्लस माइनस, तो क्या करोगे आप, 15 में से 10 को माइनस करो तो कितना आ गया, 5। बड़ी डिजिट किस में है, प्लस में, तो ये भी क्या रहेगा, प्लस में, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, ये तो चलो छोटी छोटी डिजिट, आप वैसे समझ जाओगे 15 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और अब जब 15 में से 5 को माइनस करोगे 10 आएगा, बट बड़ी डिजिट किस में है, माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो बाय।